अरे बिल्लू जी, नकली गन से डर के कहाँ भाग रहे हो? एक मिनट जोया, ये अभी क्या किया आपने? बैटमैन था, चोर था, इसलिए पकड़कर पनिशमेंट दे दी। यहाँ ये गंदो गंदो गंदे दो। देखो, आपने बैटमैन को पकड़ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी इंप्रेस्ड, यही तो पुलिस का काम है। लेकिन आपने जिस तरह से उसे पनिश किया, ये हमें सही नहीं लगा। अब ये देखो, ये क्या है? रस्सी। रस्सी। अब इस रस्सी को अगर हम इस तरह से उलझा दें, तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर काट देना चाहिए? अगर हम इस तरह से इसे धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो ये इतनी लंबी रस्सी बहुत सारी चीजों में हमारे काम आ सकती है ना? लेकिन अगर हम परेशान होकर जहां से ये उलझी हुई है, अगर वहां से उसे काट दें, तो फिर तो छोटे छोटे रस्सी के टुकड़े हमारे क्या काम आएंगे? तो अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? आप इसे सुलझाने की कोशिश करेंगी या फिर यहां से काट देंगी? सुलझाना चाहिए। करेक्ट। अरे, सोफा कहां गया? कोई नहीं यहाँ पर पुष्पा जी। हम कह रहे हैं तुमसे, अगर ये तुम्हारी करिश्मा मैडम समय रहते नहीं आई ना, तो हम तो आज उनकी जान ले लेंगे। जान लेने के लिए आप जिंदा रहिएगा तब ना। ओके, ऑल गुड। इस पे सुनाई देगा? इस पे सुनाई देगा मैडम सर। पुष्पा सिंह, हाँ? ये हैं। आप कौन? हम पुष्पा सिंह हैं। आप नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। तो हम ही तो बता रहे हैं ना आपको, हम पुष्पा सिंह हैं। अरे पुष्पा सिंह ये है ना? समझ गए, समझ गए। पुष्पा जी, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना वाला केस लग रहा है। ये जो हमसे बतिया रहे हैं तो आपकी तरफ देख रहे हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं तो हमसे बतिया रहे हैं, ठीक है? अरे भाई, डिसाइड कर लिया कि कौन है पुष्पा जी? ये है, ये है। ठीक है। अरे मुन्ना गुड़िया, जल्दी आओ भाई, पेशेंट आ गया है। मुन्ना गुड़िया, ये कौन है? हमारे मेडिकल स्टाफ हैं। तो आपने अपने मेडिकल स्टाफ में बच्चों को रखा है, मुन्ना और गुड़िया? अरे माता जी, अभी आ रहे हैं, खुद ही मिल लीजिएगा। मुन्ना गुड़िया, ये है मुन्ना और ये है गुड़िया। वो संतू ने वो दिया था ना ऑपरेशन थिएटर में रखने के लिए, वो रखा नहीं। कुछ करना करना तू। सर, हमको बहुत जोर से नहीं से बाथरूम आ रहा है सर, कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम जाकर आते हैं। अच्छा, है? ठीक है। जी सर। इधर ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा, तो बाथरूम किधर है? बाथरूम बाहर है। बाहर है? क्यों, अब नहीं जाना? अरे अंदर का काम बाहर करके क्या ही कर लेंगे हम। अच्छा ठीक है, चलो फिर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन? लेकिन अब तक तो कोई सबूत ही नहीं मिला है। हाँ जी मैडम, सब बढ़िया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे चड्डे? मुझे पता है कि जो भी आप लोग कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, पर हसीना मैडम को इतना यकीन था तो उनके यकीन पे यकीन करके मैं भी यहाँ पे आ गया। एक बार ना हम थोड़ा सा ना मेहरा साहब को फोन कर लेते, बड़ा एहसान है उनका हम लोग पर। हेलो मेहरा साहब। क्या भाई चतुर्वेदी, जय माता दी, सब ठीक चल रहा है ना? जी जी सब, ऑपरेशन होने वाला है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद कहना चाहते हैं आपको सर। अरे नहीं भाई, जय माता दी, हमने क्या किया, सब माता रानी की कृपा के खाते में समझो। फोन हमारे मैनेजर मनोहर को दे दीजिए, जरा जरूरी बात करनी है। जी जी जी, थैंक यू, लीजिए बात कीजिए। मनोहर? हाँ मैम। लीजिए मेहरा साहब बात करेंगे आपसे। हाँ
हाँ हेलो मेहरा साहब। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा फिर अब? अभी तक सबूत तो छोड़, सबूत की हवा तक हाथ न लगी हमको। कुछ कर चीते वरना हमारी जान तो चली जाएगी। कुछ कर चीते, कुछ कर। एक मिनट सोचने दीजिए हमको कुछ। हाँ जी हाँ, मैं सब संभाल लूंगा जी। चलो। अरे मैडम क्या कर रहे हो? सर एक सेकेंड, बैठिए ना सर। सर क्या है ना कि हमारी माता जी जो है ना थोड़ी सी अंधविश्वासी हैं। हाँ हाँ अंधविश्वासी हैं हम। माता जी के इसे ज्योतिष बाबा ने ही कहा है कि अगर उनका ही ऑपरेशन 11:15 पे हो ना, मुहूर्त सर बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो हाँ तो बच तो गए 11:15। कहाँ बजे सर, कहाँ बजे? ये देखो सर, आपका खड़ी भी आप ही की तरह है। बस कुछ और है, बता कुछ और है। हम कह रहे हैं बज गया। नहीं बजा सर, 15 बाकी है अभी। तुम्हारी घड़ी में नहीं बजा लेकिन हमारी घड़ी में तो बज गया ना। नहीं बजे। हम कह रहे हैं बज गए हैं। अरे नहीं बजे हैं। अरे आप देखिए तो सही, 11:15 बज गए। अभी 15 बाकी है। हम कह रहे हैं बज गया। अभी तक नहीं बजा सवा नहीं बजा। अभी सिर्फ 11 ही बजे हैं। अंधे को भी दिखाई देगा 11 बजे हैं और आपको गड़बड़। इसका मतलब ये देख सकती हैं। मैं तो देखते ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। चीते चल भाग चलते। पकड़ो इन्हें। अरे जा कह रहे भैया। बचाओ। मुन्ना चेक करो इसे। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी तो छोड़ो। कुछ भी मिल गया। हुआ क्या? हमसे चालाकी। हमें ये सुनाई क्यों नहीं दे रहा है हमें? इस वाले कान से सुनो। ये तो सारा भांडा फूट गया, सब कुछ पता चल गया। गुड़िया चश्मा उतारो इसका। अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। हमसे चालाकी करने चली थी, अब हम इसकी किडनी के साथ साथ आंखें भी निकालेंगे। बचाओ! अरे कोई है? छोड़िए हमको, छोड़। बचाओ! कोई है? अरे बचाओ! ना 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 माताजी, डरने की कोई बात नहीं है, सब आसान है। मैं एक इंजेक्शन दूंगा, आप बेहोश हो जाओगी। उसके बाद मैं आपकी किडनी और आंखें निकाल लूंगा, फिर आजाद यहां से भी और इस दुनिया से भी। पीछे हट, नहीं तो इतना पीतल डाल देंगे सबकी बॉडी में कि पोस्टमार्टम में सिर्फ पीतल पीतल निकलेगा। हटो पीछे, लाइन में लगो। छोड़ो छोड़ो हमको। ए हम चड्डा। जानते थे हम चड्डा, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी ना। अबे छोड़ ही नहीं सकती ना कोई भी मौका हमसे बदला लेने का। क्या मम्मा क्या बोल रही हैं आप? हाँ तो एक सेकंड और लेट हो गए होते ना तो हम तो यहाँ लेटे लेटे हमेशा के लिए लेट गए होते। अरे पुष्पा जी टाइम लगता है पहुँचने में, कोई सुपर वुमन थोड़ी ना जो दुपट्टा लहराते हुए यहाँ आ जाते हम। अरे हाँ हाँ सब जानते हैं क्या चल रहा था आपके दिमाग में। हाँ जान बूझ कर लेट आई आप ताकि इन लोगों के हाथों मरते ना मरते अपने दिल के दौरे से जरूर मरते। हाँ तो किसने कहा था जेम्स बॉन्ड बनने के लिए? थाने में बैठ के आराम से शांति से चाय नहीं पी सकती थी आप? अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है आप बताएंगे हमको? हाँ तो आप भी हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और तुम चड्डे चड्डे तुम्हें केस रिकॉर्ड करने के लिए बोला, हमको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बोला। उधर जाओ। यस मैडम। अरे मैया की गंगा मैया। कहाँ भाग रही है? लगता है इंजेक्शन का असर हो रहा है। पकड़ लिया। कहाँ भाग रही है? हाँ?
बाल बहुत झड़ भी रहे हैं। अच्छा, रोना नहीं, रोना नहीं। बाहर आओ, बाहर। हम तुमको बताते हैं क्या करना चाहिए। हम हेड कांस्टेबल जरूर हैं, मगर हम काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ। तो ये जो तुम गलत काम कर रही हो ना, माना कि पैसों के लिए कर रही हो, मगर इससे तुम्हारी मन की शांति जा रही है। ये गलत काम छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारे बाल कैसे चमचमा उठेंगे। हाँ। और हम बताते ना, नुस्खा बताते हैं। हाँ। तुमको मगर ये जो कौन है, क्या मैडम? गन नीचे रखिए। आप सोच क्या रही है मैडम? आगे बढ़िए और गिरफ्तार कीजिए शैतान को। हमारी चिंता मत कीजिए, अपना फर्ज निभाइए। रखिए गन नीचे। पता था, हमको पता था। आज तक हमारी कौन सी बात मानी है आपने जो आज ये बात मान लेती? कोई मौका मत छोड़िएगा सुनाने का, यहाँ भी सुना रही हैं आप हमें। आप भी कोई मौका मत छोड़िएगा हमें नीचा दिखाने का। कब नीचा दिखाया आपको पुष्पा जी? तो आप क्या कर रही हैं? हमारी जान बचाकर हमें नीचा ही तो दिखा रही हैं आप, हाँ? ताकि जिंदगी भर हमें ताने मार सके कि उस दिन अगर हमने हमारी बंदूक ऐसे नीचे नहीं रखी होती ना, तो आज आपकी फोटो पे माला लगी होती। सॉरी सॉरी, ये लीजिए। अरे ये सब क्या नौटंकी चल रही है? ये दोनों सास बहू की तरह क्यों लड़ रही है? सास बहू हैं ये लोग, ये लाइफ में। रिपोर्टर साहब, अपनी आप रिकॉर्डिंग चालू रखिएगा, लेकिन हाँ एक शर्त है, रिकॉर्डिंग तुम्हें एक टांग पे खड़े होकर करना। चल स्टार्ट। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बांधो सबको, सबके सबको बांध। मैडम सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और नहीं संतोष, आप यहीं पर रहिए, जोया के साथ रहिए। मैडम सर नर्स है जोया का ख्याल रखने के लिए, वहां आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा ठीक है, आप चेंज करके आइए और चलिए जल्दी जल्दी। दो मिनट में आती हूं। चलिए। क्यों भाई? जय माता दी। तुम्हें क्या लगा था रामलीला वाले एक्टरों से घटिया एक्टिंग करवा कर मेहरा को फंसा लोगे? सुना सुना, हम वो चीते के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं। एक्सक्यूज मी, सर कहीं पुलिस तो नहीं है? अरे पुलिस एक्सक्यूज मी बोल के आती है क्या? तुम इन लोगों को संभालो, मैं देखता हूं। हाँ जी बताइए। जी हम हैं आहूजा साहब की सेक्रेटरी पल्लवी और ये है हमारी सेक्रेटरी संतोष। हम आहूजा साहब को ऑर्डर कलेक्ट करने हैं, जल्दी करिए प्लीज। हरी अप। प्लीज आप बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। ओके। आप ऑर्डर लेने आए हैं? क्यों, आपको शक है? देखिए चाहे तो आप आहूजा साहब को फोन करके कन्फर्म कर लें, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। अब देखिए मैडम क्या है, इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी डिलीवरी, आहूजा साहब को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, एक एक हफ्ते का वक्त। अब देखिए क्या है ना, हमारे देश में गरीबी लाचारी ये सब तो है ही, कोई ना कोई तो मदद मांगने आएगा ही। दबोच लेना है और किडनी निकाल दूंगा, निकाल कर आहूजा साहब के चरणों में समर्पित कर दूंगा।
देखो ये मेहरा की जबान है। ठीक है, वैसे भी हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। क्या तुम्हारी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं? रिकॉर्डिंग वाला स्पेक्स, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस इंस्पेक्टर हसीना मलिक, कहाँ है हमारी टीम? हेलो मैडम सर, आगे मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, गन दो अपनी। खोलो इन्हें, खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रही हूँ, खोल रही हूँ कि बांध रही हूँ हमको फिर से? रस्सी नहीं खोला था तुमने? मैडम सर, यह हुजा कौन है? हमने सबके फोन सर्वेलेंस पे रखे थे, आप दोनों का फोन टैप हो रहा था। हेलो मेहरा साहब। क्या भाई चतुर्वेदी, जय माता दी, सब ठीक चल रहा है ना? जी जी जी, थैंक यू, थिंगली जी बात कीजिए। मनोहर। हाँ हेलो मेहरा साहब। अरे ये आहूजा ने नाक में दम कर रखा है, 5 किडनी का ऑर्डर लिया था, अब 50 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए। अब उसका कहना है कि आज ही डिलीवरी दो। अब कैसे होगा, ये सब काम में टाइम लगता है। अच्छा फिर अब? हाँ सुन, वो माता जी के साथ जो लड़का आया हुआ है ना, उसे पेट दर्द का दवाई जूस में मिला के पिला दे, और कहना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कम से कम 2 किडनी तो अभी मिल जाएगी, बात बाकी आगे देखते हैं। चल तुम वहाँ पहुँच, मैं भी जल्दी पहुँच रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, जय माता दी। कमाल है मैडम सर, बड़े बेशरम लोग हैं ये, मतलब हमारा किडनी बेचने से पहले एक बार संतू जी के बारे में भी नहीं सोचा। हेलो मैडम सर, वो जोया। क्या हुआ जोया को? वो मिल नहीं रही है। ऐसे कैसे नहीं मिल रही, थाने में ही तो थी। हसीना मैडम, जोया आप यहाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई भी हिलने की कोशिश मत करना, आप अपनी जगह पे बने रहो। रिपोर्टर साहब, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ये दीजिएगा। हाँ इंस्पेक्टर साहिबा, वो जो आप चश्मे में मेरी फिल्म बना रहे हैं ना, वो मुझे दीजिए। मैंने कहा मुझे दीजिए। ना ज्यादा होशियारी नहीं, वो मेमोरी कार्ड जो रखी ना, वो मनार। ए, चल लेके चल। करिश्मा सिंह रुकिए, कितनी चुराता है बक्साला। करिश्मा सिंह रुकिए, रुक जाए इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, इट्स एन ऑर्डर। जोया ये वही है जिन्होंने आपके पापा का किडनी चुराया, आप अब भी चाहती है कि हम रुक जाएं? हाँ ऑफिसर करिश्मा सिंह, हम आपको अब भी रोकना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस का काम क्राइम खत्म करना है, क्रिमिनल्स को नहीं। हमें जस्टिस में बिलीव रखना चाहिए, पनिशमेंट में नहीं। चीते पकड़ इसको, पकड़। जोया 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 जोया, डॉक्टर प्लीज डू समथिंग इमीडिएटली, शी नीड्स एन ऑपरेशन। आई एम सॉरी मैम, पर ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकते, कोई डोनर नहीं मिल रहा है का? डोनर तो मिल गया, लेकिन ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब
आप ही? जी हाँ, अब हमें जोया को ऑपरेशन के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। जोया को मैं अपनी किडनी दे रहा हूँ। सारा पेपर वर्क हो गया है, बस ऑपरेशन के लिए ही निकल रहे हैं। मैंने दूसरे बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर सिंह को इस ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया। ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर एंड द बेस्ट पार्ट ही इज डूइंग दिस ट्रांसप्लांट फॉर फ्री। एक बात बताइए डॉक्टर विकास, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ हसीना जी, आप जैसे न जाने कितने पुलिस वालों ने इस लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी निभाई और निभा रहे। आपके खुद के महिला पुलिस थाने ने इस लॉकडाउन में न जाने कितनी जिंदगियां बचाई। जान तो आप लोग ने भी दांव पे लगाई ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब क्यों और किस लिए, तो आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि फर्ज जिंदगी से बढ़कर है। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं। लफ्ज ही नहीं मिल रहे आपसे कुछ भी कहने के लिए। फरिश्ते को देखा तो नहीं है पर यकीनन आप जैसा ही होता होगा। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप बस अपना और जोया का ख्याल रखिएगा और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। जी जरूर, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जोया, कुछ साल बाद ना फिर से थाना आना, लेकिन इस बार असली यूनिफॉर्म पहन के। जहां कहीं भी होंगे ना, उस दिन का इंतजार जरूर करेंगे। अच्छा तो अब बताओ जोया, किनकी जैसी पुलिस ऑफिसर बनना चाहोगी, करिश्मा मैडम की तरह या हसीना मैडम की तरह? मैं ऐसी पुलिस ऑफिसर बनूंगी जिसको देख के आप दोनों को और सबको प्राउड फील हो। वाह, स्मार्ट आंसर। डॉक्टर विकास, आपने जोया के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए इतना तो बनता है। ये हम सब की तरफ से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.